नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं एहसन इकबाल। आज हम बनाना सीखेंगे शामी कबाब। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं, वो ये हैं: बोनलेस बीफ 3 पाव, चने की दाल 1 पाव, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, प्याज 1/2 पाव, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद चॉप की हुई, शान का शामी कबाब मसाला 1 डब्बा, धनिया पुदीना 1 बंच बारीक कटा हुआ, ऑयल 1.5 कप, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, अंडे 2 अदद। तरकीब: सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह धोकर छोटी छोटी बोटियां कर लें। उसके बाद चने की दाल को 1 घंटे तक भिगो लें। फिर एक पतीले में गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत लाल मिर्च और चने की दाल डालकर 2 से 3 गिलास पानी डालें और बॉईल होने के लिए रख दें। तकरीबन 1 घंटे बाद जब दाल और गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो चूल्हा बंद करके उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। अब इस बैटर को एक चॉपर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और उसके बाद इसमें शामी कबाब मसाला, धनिया पुदीना और बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही एक बाउल में 2 अंडों को फेंट लें और तैयार किए गए बैटर की टिक्कियां बनाकर फिटे हुए अंडे से कोट करें और फ्राइंग पैन में 2-2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इन टिक्कियों को फ्राई कर लें। टिक्कियों की दोनों साइड 1-1 मिनट तक फ्राई करने के बाद एक ट्रे में टिश्यू लगाकर फ्राई की हुई टिक्कियां निकाल लें। मजेदार शामी कबाब तैयार हैं। एंजॉय करें। ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।